कासगंज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क लगातार जारी है। इस दौरान उन्होंने सुल्तानगंज, पडरिया, राजाधार, वीरपुर समेत अन्य जगहों पर जनसंपर्क किया है। यहां पर नुक्कड़ सभाओं में कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र पटेल ने कहा कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के पिछले 18 वर्षों के कुशासन से जनता अब बेहद परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। सिलवानी विधानसभा के जनसंपर्क में कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र पटेल के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप शर्मा समेत दर्जनों लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है, जिनका दीपेंद्र पटेल ने स्वागत किया। हमारी सरकार आएगी तो हम पे सबसे पहले यहाँ सिंचाई की सुविधाएं करेंगे। किसानों को जो समय पर बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती उसको हम ठीक ठाक करेंगे। और जो प्रशासन की लचर व्यवस्था है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं। ना तहसील से कोई काम हो पाता, ना जनपद पंचायत से कोई कार्य हो पाते, ना ही थाने, तहसील, विद्युत मंडल, जहाँ जाओ भ्रष्टाचार का ऐसा आलम है। ऐसी लूट घसूट की सरकार है कि लोग हैरान परेशान है, त्राही त्राही लोगों में है। कैसी कैसी सरकार, जहाँ देखो लूट है। अजय, ये जो गेहूं घोटाला विकल्प में हुआ था, इसकी क्या उच्च स्तरीय जांच होगी? हाँ, जांच होगी और जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको सजा देगा।